Hey, what's up guys, कैसे हो आप लोग? Welcome back to one more video. चैनल पर अगर नए आए हो और कंटेंट अच्छा लगे तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. क्या चल रहा है दोस्तों, ये वीडियो मेरे सारे सिंगल भाइयों के लिए है. मैं रोज की तरह इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, वही रोज का छपरी नाच, बिना कपड़ों के डोलना और बकचोद ज्ञान, इन सब चीजों से मैं परेशान हो चुका था. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. स्क्रॉल करते करते मुझे एक अधेड़ उम्र की लड़कियों का गिरोह मिला, जो अपने लिए बच्चे डिमांड, सेक्स डिमांड, यहाँ तक कि लड़कों की डिमांड भी कर रही हैं. और खुद के लिए तो छोड़ दो, इन्हें अपनी माँ के लिए भी लड़का चाहिए. अबे थम जाओ, हवस में चूर इंसानों, पहले इनकी बकचोद डिमांड तो सुन लो. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. मुझे इतना तो श्योर है कि आज सिंगल लड़के यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे, चाहे वो धोखा या स्कैम ही क्यों ना हो. ये क्या बात करते हैं यार. तो आइए मिलवाते हैं आपको इन लड़कों की प्यासी परियों से. आपको किस टाइप का लड़का चाहिए, थोड़ा सा ये बताओ. लड़का मुझे इस टाइप का चाहिए कि जैसे कि हाँ, दिखने में स्मार्ट भी ना हो, पैसे वाला भी ना हो, गरीब भी चलेगा, मिडिल क्लास का भी हो वैसे भी चलेगा, ठीक है. और क्या कहते हैं, जैसे कि उसके हाथ पैर भी नहीं सही सलामत ना भी हो ना, अच्छा, तो वो भी चलेगा. लेकिन वो लड़का मुझसे प्यार करने वाला हो, रिस्पेक्ट दे मुझे, और हाँ, लेकिन उसको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी. समझ नहीं आ रहा इसको लड़का चाहिए या तातिया बिच्छू. मैं तातिया बिच्छू हूं भैसा. गरीब भी चलेगा, बदसूरत भी चलेगा, हाथ पैर ना हो तो भी चलेगा. वैसे तुम लोग पिघलना मत, क्योंकि असल जिंदगी में ये बकलोल ऐसे लड़कों से तो सीधे मुंह बात भी ना करे. बॉयफ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है. यौवन की आग इतनी लग रही है कि इसको बस केला खाना है, फर्क नहीं पड़ता कि केला चाहे कितना भी गला हुआ क्यों ना हो. और हाँ, एक बात पूछनी थी, मुट्ठी मारने वाला चलेगा क्या? नमन, तेरे लिए लड़की मिल गई. तूने उसका क्या हाल किया हुआ है ये देखियो. तेरा तो नहीं कर रहा ना. तेरा मेरा कर भी नहीं सकती तू. ये इंजेक्शन भी लगाती है मेरे बहुत. ये उसको बता रही तुझे, ये क्या बलवंत से ही लेकर लेना है. नहीं, तू ऐसे गलत काम कर रही है यहाँ पर. इधर देख, इधर देखो कर रही है, तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं आ रही है. वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है. नहीं जी, दुनिया तो चूतिया है, क्या ही पता चलेगा. बेटे उसे इंजेक्शन नहीं, खसरे वाला टीका कहते हैं, जो छोटे बच्चों को लगाना बहुत जरूरी होता है. ये सरकारी डिस्पेंसरी की नर्स वही लगाती है बच्चों को, तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है. गले में लव का लॉकेट पहन रखा है. इनकी एक्टिंग देखकर मन किया था मैं भी अपने गले की चेन में चूतिया का लॉकेट पहन लूं, क्योंकि इनकी एक्टिंग देखकर आपको बस यही लगेगा कि हमारा चूतिया कट गया. खैर, इंजेक्शन से एक शायरी याद आई है मुझे, तो अर्ज किया है. इंजेक्शन और लंड दोनों ही खून निकाल देते हैं, और दोनों ही गलत जगह घुस जाए तो अच्छे अच्छे की गांड फाड़ देते हैं. आओ आगे देखते हैं. कैसा लड़का चाहते हो? लड़का चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे बहरा हो, चाहे काना हो, चाहे लोड़ू हो या लसन हो, कैसा भी हो, ठीक है, लड़का चाहिए शादी के लिए. अच्छा, कोई काम धंधा कुछ? कुछ करे ना करे, क्यों बुढ़ा भैया करके प्रॉपर्टी मेरे नाम. जब हाथ से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर जज्बात तक किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो एक डिल्डो ही ले लो ना. और रही बात लोड़ू और लहसुन की, तो पुनीत सुपरस्टार से करा दे, सारी क्वालिटी मैच करती है उससे. बुढ़ा इसी दिन के लिए तो प्रॉपर्टी नाम करके गया होगा ना, कि राजकुमारी एक दिन रील में अपनी सारी प्रॉपर्टी उड़ाएगी. जिसको मेरे से कॉन्टेक्ट करना हो, वो मेरे को मैसेज करे, अपना नंबर भेजे, मेरे से बात करे, वीडियो कॉलिंग पे करे, फिर उसके बाद चाहे डायरेक्ट मेरे घर आके मेरे से बात करे, मिले, कोई टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, और पैसों की कोई कमी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, पैसों की कोई कमी नहीं है. रईस ही देख रहे हो इस दल्लूपुरा की माधुरी दीक्षित की. ये उन्हीं लड़कियों में से है जो 2016 से पहले 29 रुपए के मैसेज कूपन के रिचार्ज से पूरे मोहल्ले का चूतिया काट दिया करती थी, और वो रिचार्ज भी खुद के पैसों से नहीं कराती थी. और पैसों की कोई कमी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, पैसों की कोई कमी नहीं है. पैसा बहुत फुल, आपके पास. फुल जिसे कहते हैं, पैसा बहुत है मेरे पास. क्या बात. तो है जो मेरी आग बुझाएगा मैं उसकी बुझाऊंगी, उसको पैसा भी दूंगी. उस फुल फ्रीडम, यानी कि यार उसकी बिल्कुल कती मौज उठा दूंगी मैं, जिसे कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है. देख नहीं रहे पूरा प्लॉट कब्जा रखा है, इतना पैसा है.
तो जो मेरी आग बुझाएगा मैं उसकी बुझाऊंगी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जो इसकी आग बुझाएगा ये उसकी आग बुझाएगी, मतलब 69? ये कौन से खेत और पार्क है जहाँ ऐसी बकचोदी चल रही है? ये लोग टाइम भी देखकर आते हैं कि ऐसी जगह खाली मिले, वरना कोई इनकी बकचोदी सुन ले तो पीछे जो कीचड़ पड़ी है उसमें डूब के मर जाए। इमोशनल टाइम। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगी और जो उसकी मनपसंद की गाड़ी होगी वो भी उसे दूंगी। कितने? 50 लाख रुपए। अजी लौड़ा, मैं अपनी पसंद की गाड़ी बता रहा था, स्कोडा लोरा। ये कौन सा स्टार्टअप खुल गया है इंडिया में जहाँ बस हवस शांत करने के लाखों रुपए मिल रहे हैं? एक और चीज कि मैं उसे 2 महीने तक रखूंगी तो पहले ही वो अपना सोच के आएगी और फिर 2 महीने बाद उसकी गांड पे लात मार के बोलूंगी चलना चूतिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़कियां सिर्फ अपने लिए लड़का ढूंढती हैं तो सही बता रहा हूँ, तुम लोग बहुत भोले हो। इनमें से कुछ तो अपनी माँ की सालों की प्यास बुझाने में लगी हुई है। अब ये नॉटी अमेरिका वाला स्टेप मॉम और बेटी का रिश्ता मेरी समझ से परे है। ऐसा हो जो मेरी और मेरी माँ का दोनों का एक साथ में पसीना निकाल दे, ऐसा ना हो एक बार में उसकी हालत खराब हो जाए। आज तक मुझे ऐसा कोई लड़का मिला नहीं जो मेरी और मेरी माँ को एक साथ ही संभाल सके। घर की बिजली काट देता हूँ, माँ का क्या पूरे घर का पसीना निकल जाएगा। गलत जगह ढूंढ रही है ये लड़का। प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर जॉनी भैया, पसीना निकालने के एक्सपर्ट मल्टी स्पेशलिस्ट, इनकी कोई ब्रांच नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है मेरी वीडियोस में अश्लीलता होती है, देख लो सालो आगे देखो। मुझे चाहिए कोई लड़का, अगर कोई लड़का मिले तो प्लीज आ जाओ, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी, कार भी तुम्हारे नाम, कंपनी का मालिक बन जा भाई तू, लेकिन तू आ जा, जो मेरी केयर करेगा, जो रिस्पेक्ट करेगा, जो माँ भी बनाएगा, नपुंसक ना हो बस। अच्छा, उसको जो चाहिए मैं दूंगी, आगे पीछे घूमे मेरी गुलामी करे मेरी। एक तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा डैंड्रफ जैसा मुंह देखकर सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया था। ये लड़का मांग रही है या बाजार में सब्जी खरीदने आई है? और अकल की अंधी, ये भाई बोलकर किसको बाप बनाना चाहती है? और ये खेतों में पीछे साड़ी गिरा कर कोई स्पेशल कंपनी या स्कीम चला रही है आंटी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, वाह दीदी, दीदी दीदी। इसी के साथ आज की बकचोदी बहुत हुई। मेरी तो यही सलाह है कि जितना हो सके इस बकचोदी से दूर रहो। लेकिन एक जगह है जहाँ कोई स्कैम नहीं होता, वो है मेरा कमेंट सेक्शन, इसलिए वहाँ जाके अपना फेवरेट पार्ट बताओ। आपको तो पता ही है अपना काम किसी को हेट फैलाने का नहीं है, तो आप भी किसी को हेट ना करें। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए कर्मकांड को लेकर।